So hello everyone and once again welcome to my channel Madam Axe. तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने आ चुकी हूँ फैशन जीके की क्लास नंबर 8 लेकर. और जिन लोगों ने 8 तक के सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं फैशन जीके क्लास के, तो वो प्लीज अभी जाकर सारे पार्ट्स देख लें, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और यूजफुल होने वाली है. और ऐसा कंटेंट, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा. तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे इंडियन स्टेट्स होते हैं, तरह तरह के जो स्टेट्स हैं हमारी इंडिया में, उनमें हर स्टेट का अलग अलग एक आर्ट फॉर्म होता है. पेंटिंग्स होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, एंड देन होती हैं ड्रेसेस. तो ड्रेसेस जो हैं फैशन का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं. तो आज की वीडियो में मैं आपको 10 डिफरेंट इंडियन स्टेट्स के ट्रेडिशनल जो ड्रेस कोड्स हैं उनके बारे में बताऊंगी, साथ में उन स्टेट्स में जो भी पॉपुलर पेंटिंग्स हैं उनके बारे में भी बताऊंगी. क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लिए जानना. तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ड्रेस कोड्स ऑफ 10 इंडियन स्टेट्स एंड ट्रेडिशनल पेंटिंग्स ऑफ 10 इंडियन स्टेट्स. साथ ही में आपको मिलेगा लाइव क्विज. जो भी लोग लाइव आ चुके हैं उनका बहुत ही तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ, एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल कि आप लोग लाइव आए हैं और अपनी नॉलेज को टेस्ट करने वाले हैं लाइव यहीं पर. तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से ध्यान लगाकर देखिएगा, ताकि जो मैं क्वेश्चंस दूंगी एंड ऑफ द वीडियो में वो आप अच्छे से आंसर कर सकते हैं लाइव चैट में. और लाइव चैट में मैं बताऊंगी किसके आंसर्स करेक्ट हैं और किसके नहीं हैं. ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. और मेरे चैनल पर जाकर आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियोस मिल जाएंगी, तो प्लीज़ उसे चेक कर लीजिएगा. चलिए बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड की तरफ. तो यहाँ पर जो हमारा स्टेट है पहला, वो है आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में हमारा जो मेन होते हैं, फॉर द मेन द ट्रेडिशनल ड्रेस इज देयर धोती एंड कुर्ता, फॉर द वुमेन इट इज साड़ीज. तो वुमेन के लिए हमारा यहाँ पे साड़ीज हैं, एंड जो मेन हैं वो ट्रेडिशनल ड्रेस उनकी है धोती और कुर्ता, इसको ध्यान में रखिएगा. देन यहाँ पर जो पेंटिंग है फेमस वो है कलमकारी. अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि कलमकारी इज फ्रॉम विच स्टेट, या फिर धोती कुर्ता इज वॉर्न बाय द पीपल ऑफ विच स्टेट, तो आप मार्क करेंगे आंध्र प्रदेश. तो कलमकारी जो है इसका लिटरल मीनिंग होता है ड्राइंग विद अ पेन. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कलमकारी इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स इन इंडिया. तो एक ये है मछलीपट्टनम, आई डोंट नो व्हाट इट इज प्रोनाउंस्ड एग्जैक्टली, तो ये जो भी है आप देख लीजिए, विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम मछलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश, एंड श्री कलाहस्ती विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम चित्तूर इन द सेम स्टेट. ओके, तो ये आंध्र प्रदेश. देखिए प्रोनाउंसिएशन तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपकी नॉलेज मैटर करती है और नॉलेज आपको यहाँ से मिल ही रही है. तो यहाँ पिक्चर्स में आप देख सकते हैं ड्रेस कोड, यहाँ की जो साड़ीज हैं ट्रेडिशनल वो, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कलमकारी पेंटिंग. ओके, सो होप इट वॉज क्लियर टू यू. और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कॉमेंट्स में मुझे फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा. जो लोग लाइव चैट में नहीं आए हैं वो मुझे आंसर करके जाएंगे कमेंट सेक्शन में, इसलिए आंसर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए, क्योंकि इससे आपकी भी नॉलेज टेस्ट हो जाती है. प्लस आप जान सकते हैं कि आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स होने वाले हैं एग्ज़ाम में उनकी कितनी नॉलेज है, उनको कितना चीज़ें समझ में आ रही हैं. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट पर. तो नेक्स्ट स्टेट है हमारा बिहार. बिहार इज़ ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ बुद्धा.
तो देखिए एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ बुद्धा, तो आप मार्क करेंगे बिहार. हैज देयर ट्रेडिशनल अटायर एज धोती एंड कुर्ता, यहाँ पर भी वही है फॉर मेन, एंड टुसार सिल्क साड़ीज फॉर द वुमेन. ओके, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये नाम. नाउ पेंटिंग यहाँ की जो फेमस है वो है मधुबनी पेंटिंग. इसके बारे में काफ़ी लोगों ने सुन रखा होगा. तो ऑल्सो कॉल्ड द मिथिला आर्ट, इट ओरिजिनेटेड इन द किंगडम ऑफ जनक, हु इज सीताज फादर इन द रामायण, इन नेपाल एंड इन प्रेजेंट डे बिहार. ओके, तो यहाँ की जो फेमस पेंटिंग है वो है मधुबनी और इसे हम मिथिला आर्ट के नाम से भी जानते हैं. यहाँ पर आप ड्रेस कोड देख सकते हैं और यहाँ पर हमारी मधुबनी पेंटिंग देख सकते हैं. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. और वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा. तो कर्नाटका जो है वहाँ पर हमारा जो फेमस ड्रेस कोड है वो है इलाकल साड़ी एंड मैसूर सिल्क आर वेरी रेनाउंड. ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है. बिल्कुल ये मत सोचिएगा, लाइटली मत लीजिएगा इसको, क्योंकि इतने सारे स्टेट्स हैं, इतने सारे वहाँ के कल्चर्स हैं, आर्ट फॉर्म्स हैं, फोक डांसेस हैं, ये सब भी मैं आपको कवर कराऊंगी नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं आगे के भी ड्रेस कोड्स डिस्कस करूंगी. तो अभी जो आज मैं पढ़ा रही हूँ उससे एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा. ओके, तो यहाँ कर्नाटक में हमारी है इलाकल साड़ी एंड मैसूर सिल्क जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है. द ड्रेपिंग ऑफ द साड़ी शिफ्ट्स रिलाइंग अपॉन द जोन लाइक कोडागू नॉर्थ एंड साउथ कर्नाटका एंड करावली. दवनी इज अ कन्वेंशनल आउटफिट फॉर फीमेल्स. तो एक ये नया नाम आया दवनी, तो ये भी एक कन्वेंशनल आउटफिट है फीमेल्स का कर्नाटक में. द ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर द मैन इज धोती विच इज नोन एज पाशे, पाछे या पाचे, पाशे वॉट एवर इट इज, तो ये हमारा है. एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो ड्रेस है उसकी फोटो, प्लस जो हमारी पेंटिंग है यहाँ पर वो है मैसूर पेंटिंग. तो मैसूर पेंटिंग आपसे अगर पूछता है किस स्टेट की है तो आप बताएंगे कर्नाटका स्टेट की है. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र में फॉर मेन द ट्रेडिशनल क्लोथ्स इंक्लूड धोती विच इज ऑल्सो नोन एज धोतर एंड फेटा, वाइल फॉर वुमेन इट इज द चोली एंड साड़ी लोकली नोन एज नवारी साड़ी और लुगड़ा. ओके, तो ये हमारी वुमेन एज वेल एज मेन की जो ड्रेसेस हैं वो हैं. और यहाँ जो पेंटिंग है फेमस वो है वर्ली पेंटिंग, ओरिजिनेटेड बाय द वर्ली ट्राइब्स. तो वर्ली ट्राइब्स के थ्रू ये ओरिजिनेट हुई थी. From the western ghats of India in 2500 BCE, this is easily one of the oldest forms of India, art forms of India. यहाँ पर आप साड़ी देख सकते हैं and this is your painting, okay? तो साड़ी वगैरह का सबका नाम आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि किस स्टेट की कौन सी साड़ी है, कौन सी ड्रेस है, क्या नाम है, everything, paintings as well, okay? Coming to the next state, which is Orissa. Women in Orissa generally wear kataki sari and sambalpuri sari. Okay, ye dono important cheeze hain. Whereas men stick to dhoti, kurta and gamcha. Okay, to ye hamari men ki dresses ho gayi. Yahan ki painting jo famous hai wo hai patchitra. Patchitra, a cloth-based scroll painting from Orissa and West Bengal. These paintings with sharp angular bowl lines depict epics, gods and goddesses. तो यहाँ पर आप painting देख सकते हैं कि इसमें god and goddesses को generally depict किया जाता है और यहाँ पर आप dress code देख सकते हैं. होप कि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं. आप चाहें तो स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं. तो ये जो पटचित्र पेंटिंग है ये ओरिसा एज वेल एज वेस्ट बंगाल दोनों जगह पे ही फेमस है. तो इसको याद रखिएगा कि दोनों स्टेट्स में ये पेंटिंग यूज़ होती है. कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेट विच इज़ राजस्थान. तो मैन इन राजस्थान वेयर धोतीज और पजामा, कुर्ता, अंगरखा एंड पगड़ और साफा विच इज़ अ काइंड ऑफ टर्बन. ओके, वेमेन स्टिक टू घाघरा विच इज़ अ लॉन्ग स्कर्ट एंड कंचली विच इज़ अ टॉप.
तो पेंटिंग जो है हमारी राजस्थान में वो होती हैं मिनिएचर पेंटिंग्स एज वेल एज फाद पेंटिंग्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाद पेंटिंग्स की पिक्चर है और ये एक राजस्थानी वेमेन है, इनकी फोटो है। ओके, नाउ कमिंग टू आर नेक्स्ट स्टेट विच इज तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में द वेमेन इन तमिलनाडु वियर रिच कल्चर सारीज और फुल लेंथ शॉर्ट ब्लाउज एज वेल एज शॉल। This style is called pavada, which is also known as half sari. Men generally wear shirts and lungis. Okay, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि where do men wear lungis and where do women wear half saris? तो दोनों ही questions में आपका answer होगा Tamil Nadu. तो यहाँ की जो famous painting है वो है हमारी Tanjore painting. From down south, Tanjore or Thanjavur paintings originated in 1600 AD, encouraged by the Nayakas of Thanjavur, which is a city of Tamil Nadu. तो Thanjavur जो है Tamil Nadu की ही city है और इसी के name से हमारी painting का name भी derive हुआ है, वो है Tanjore painting. तो यहाँ पर आप Tanjore painting की photo देख सकते हैं और यहाँ पर women की जो dress है वो आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहाँ हमारा जो स्टेट है वो है तेलंगाना। तेलंगाना में वेमेन प्रेफर सारीज एज देयर ट्रेडिशनल अटायर, वेयर एज मेन जनरली वेयर धोती एंड कुर्ता। तो धोती कुर्ता वाले जो स्टेट्स हैं कई ज़्यादा हैं, काफ़ी सारे हैं, तो उनको सबको एक साथ ही लिख लीजिएगा ताकि अगर उनमें से कोई भी ऑप्शन में है तो आप उससे मार्क कर सकते हैं। Now coming to the painting of Telangana, तो famous painting है यहाँ की Cherial Scrolls, originating in present day Telangana. This dying art form is practiced by the Nakashi family only, where it has been passed down for many generations. तो Nakashi family है यहाँ की, वहाँ से ये originate हुई है हमारी Cherial Scrolls नाम की painting, और ये तेलंगाना की famous traditional paintings में से आती है. Coming to the next state, which is West Bengal. तो in West Bengal, women love to wear sari as their traditional attire, whereas for the men, they generally pick Punjabi along with dhoti or sometimes lungi as their traditional outfit. Painting हमारी यहाँ पर famous जो है वो है पथचित्र as well as कालीघाट painting. तो पथचित्र painting मैंने अभी आपको बताया था, उड़ीसा में भी काफ़ी ज़्यादा famous painting है, उड़ीसा की भी तो वेस्ट बंगाल की भी है। ये जो भी ऑप्शन आता है आप दोनों ही मार्क करेंगे, मतलब दोनों में से जो भी आता है दोनों में से एक मार्क कर देंगे। कालीघाट जो है अ रिसेंटली डिस्कवर्ड पेंटिंग स्टाइल, इट ओरिजिनेटेड इन द 19th सेंचुरी बंगाल फ्रॉम कालीघाट। ओके, तो ये दोनों पेंटिंग्स हैं हमारी बंगाल की और यहाँ का आपने अटायर देख ही लिया है, फोटो में भी आप देख सकते हैं और यहाँ पेंटिंग भी देख सकते हैं। तो देखिए कितना वास्ट, कितना डाइवर्स है हमारी इंडिया की, अलग अलग स्टेट्स में ही हमें जैसे लगता है कि अलग अलग कंट्रीज़ हैं, कि हमें अलग अलग ही आर्ट फॉर्म्स, कल्चर्स एंड ड्रेसेस मिल जाती हैं। इसीलिए हम इंडिया को कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी यहाँ देखने को हमें मिलती है। तो यू ऑल शुड बी वेरी वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। अब आते हैं हम लास्ट अपने स्टेट पर, जो है हमारा मध्य प्रदेश या कहिए MP। तो मेन हियर जनरली वेयर धोती विथ कुर्ता और शर्ट एंड साफा अ काइंड ऑफ टर्बन, वाइल वेमेन स्टिक टू लहंगा एंड चोली एज वेल एज ओढ़नी टू कवर दी हेड। ओके, मध्य प्रदेश का ये हमारा अटायर है। पेंटिंग यहाँ पर है गोंद पेंटिंग, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग विथ नेचर। द गोंदी ट्राइब इन मध्य प्रदेश क्रिएटेड दीज बोल्ड वाइब्रेंटली कलर्ड पेंटिंग्स डिपिक्टिंग मेनली फ्लोरा एंड फौना। तो मध्य प्रदेश की हमारी पेंटिंग है गोंद पेंटिंग।
तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें मैं आपको बाकी के बचे जो इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस कोड्स एंड फेस्टिवल्स वगैरह के बारे में बता दूंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो नेक्स्ट पार्ट बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए लेट्स गेट रेडी फॉर द क्विज शो, जिसमें हम आपसे पूछने वाले हैं क्वेश्चंस और आपको देना है आंसर, और जिसका करेक्ट आंसर होगा उसे मैं बताऊंगी लाइव चैट में। और कोशिश किया करिए कि सभी लोग लाइव चैट में आप लोग लाइव ही क्विज का आंसर दें तो अच्छा होगा, क्योंकि उसमें आपको और ज़्यादा मज़ा भी आ जाती है और काफ़ी इंगेजिंग हो जाता है आपका जो वीडियो सेशन होता है, क्लास होता है, और मुझे भी मज़ा आती है, आप लोगों को भी आती है, और नॉलेज भी टेस्ट हो जाती है सबके साथ। प्लस आप ये भी देख लेते हैं कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको कितना आ रहा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज, और जो लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हैं वो कमेंट करके अपने आंसर्स देंगे, बाकी लोग लाइव चैट में मुझे बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज वर्ली पेंटिंग इज फ्रॉम विच स्टेट। ऑप्शन ए है हमारा गुजरात, ऑप्शन बी है हमारा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है ओडिशा एंड ऑप्शन डी है कर्नाटका। सभी लोग मुझे आंसर दे दें लाइव चैट में, और जिसका आंसर करेक्ट होगा उसे मैं खुद लाइव चैट में बताऊंगी। चलिए टाइम आपका शुरू होता है अब। ओके, आई थिंक काफी लोगों ने आंसर दे दिया है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज पेंटिंग्स इज फ्रॉम तमिलनाडु। ऑप्शन ए तंजौर, ऑप्शन बी पटचित्र, ऑप्शन सी बटिक एंड ऑप्शन डी इज कलमकारी। चलिए सभी लोग आंसर देंगे लाइव चैट में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पावड़ा स्टाइल इज फ्रॉम विच स्टेट। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज राजस्थान। आंसर करिए सब लोग। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, कथक साड़ी इज ट्रेडिशनली वोर्न इन विच स्टेट। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो प्लीज़ इन आंसर्स को, इन क्वेश्चंस को सीरियसली लीजिएगा। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज वेस्ट बंगाल। ओके, बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, टुसार सिल्क साड़ी इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी इज महाराष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन, इन विच स्टेट विल यू फाइंड मधुबनी पेंटिंग। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज बिहार। चलिए आंसर करिए सभी लोग। और जो भी लोग लाइव आए हैं उनको मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने लिए भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और मुझे भी अच्छा लगा कि आप लोग लाइव आए, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे।
Now coming to the next question, which is, Ilakkal Sari is from which state? First option, Kerala. Second option, Karnataka. Third option, Orissa. And fourth option is West Bengal. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिएचर पेंटिंग इज फ्रॉम ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी ओडिशा. और आप लोगों को अगर इंस्टाग्राम पे आप मुझे भेज सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हैं. जो लोग फेसबुक में हैं वो फेसबुक में ये काम कर सकते हैं. दोनों ही जगह आई एम अवेलेबल. लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. वहाँ पर भी आप मुझे लाइक एंड फॉलो कर लीजिएगा और यहाँ पर भी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही और वीडियोज़ बनाती रही हूँ आपके लिए. और काफ़ी ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलता है, खुशी होती है जब आप लोग लाइक करते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा. ओके, होप कि सबने आंसर कर दिया है. बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर आज के. तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, धोतर एंड फेटा इज ट्रेडिशनली वर्न बाय मेन इन विच ऑफ दीज स्टेट्स. ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी केरला. तो सभी लोग इसका आंसर कर दें लाइव चैट में और जो लोग लाइव नहीं हैं वो कमेंट्स में. तो होप कि आप लोगों को ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी एंड लाइव जो लोग आए हैं उनको और भी ज़्यादा मज़ा आया होगा. नॉलेज आपकी चेक हुई होगी, टेस्ट हुई होगी. प्लस जो आंसर्स आपको नहीं आ रहे होंगे आप फिर से वीडियो को देख लीजिएगा तो आंसर्स आपको सारे ही इसी वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का पार्ट टू बनाऊं, बाकी के स्टेट्स की भी आर्ट फॉर्म्स, कल्चर्स एंड ड्रेस कोड्स आपको बताऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही. फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग.